नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि ऋषभ जो कि पूरी तरीका से पृथ्वी और अपनी वाइफ यानी कि सालन को इस घर से कर देगा हमेशा हमेशा के लिए बाहर। जी हां, आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा जहां प्रीता की वजह से ऋषभ की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ऋषभ अब एक बहुत मजबूत निर्णय लेने जा रहा है और मजबूत निर्णय लेने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि उसे पता है कि सैलन और पृथ्वी ने उसे फंसाया था और उसने पूरी बात सभी घर वालों के सामने बोल भी दी कि मुझे यहाँ तक फंसाने के लिए किस तरीका से इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश रची थी, दुबई की प्रॉपर्टी के लिए इतना बड़ा स्कैम किया था। लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में जहाँ करण से अभी भी प्रीता थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि करण ने थोड़ा भी वेट नहीं किया इन दोनों का कि इन दोनों में क्या चल रहा है, और करण ने तुरंत ही बात की जाए नताशा से इंगेजमेंट के लिए फरमाइश कर दी थी, क्योंकि उसने ये इंतजार नहीं किया कि आखिरकार प्रीता कुछ ऐसा कर रही है जिसका उसे इंतज़ार करना चाहिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट वाकई में काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से करण और प्रीता के बीच में जितने भी मैटर थे वो सॉल्व होते हुए भी नज़र आने वाले हैं। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि ज़्यादातर करण ने पहले से ही प्रीता को किसी न किसी बात में इन दोनों की आपसी सहमति नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों जल्दी ही इनकी एक बार फिर से सहमति होती हुई नज़र आएगी। वहीं पे ही बात की जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता की बहन सृष्टि इस बार काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि आखिर में चलो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि आने वाले एपिसोड में जहां पृथ्वी एक नई साजिश रचता हुआ नज़र आने वाला है, वो भी किसके खिलाफ दोस्तों, प्रीता और करण के खिलाफ, क्योंकि उसके असली दुश्मन प्रीता और करण ही हैं जो उन्हें बार बार पंच करते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।